सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जन्य की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो टू 12वें पृष्ठ की 25वीं पंक्ति पर हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, मंत्रों को, सूत्रों को हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तद अनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, अ कॉलिक्वी ऑफ द ओरिजिनल गॉड्स मीटिंग अपॉन द बॉर्डर्स ऑफ द अननोन, हर सोल्स डिबेट विथ एम्बॉडीड नथिंगनेस मस्ट बी रिसल्ड आउट ऑन अ डेंजरस डिम बैकग्राउंड, हर बींग मस्ट कन्फ्रंट इट्स फॉर्मलेस कॉज अगेंस्ट द यूनिवर्स वे इट्स सिंगल सेल्फ ऑन द बेयर पीक वेयर सेल्फ इज अलोन विथ नॉट एंड लाइफ हैज नो सेंस एंड लव नो प्लेस टू स्टैंड, She must plead her case upon extension's verge। कुछ पूर्व का भाव साथ लेकर आगे सरल भाव की ओर चलते हैं। सृष्टि सृजन आरंभ वेला से अब तक चेतना के क्रम विकास यात्रा में जो देव निर्दिष्ट पथ जन्म मृत्यु का निर्धारित किया गया था, उस अनुरूप समस्त देवी देवतियां देवी शक्तियां क्रम विकास पद्धति को दिशा निर्देशित करते हुए अभिव्यक्त हुई चेतना जड़ से मानव तक के विकसित स्वरूप तक आ पहुंची थी, किंतु मानव मन की उच्च विकास की अवस्था में स्थित हो जाने पर उपरांत भी वर्तमान जीवन में काल मृत्यु जुए को ढोते रहकर आगे के विकास की अभिव्यक्ति में विकसित होना तो उसे अब खलने लगा। आकारित चेतना पर व्याप्त अचेतन असत रूपी जुए काल जुए को उतार फेंकने का अब तक मानव जाति द्वारा अति अल्प प्रयास ही किया गया है, किंतु इस लदे काल जुए से मानव जाति को नश्वरता से मुक्ति की मूकिल आवश्यकता की घड़ी में जगन माता के संकल्प से उन्हीं की अंश शक्ति धारण कर अवतरित हुई सावित्री का काल से मल्ल युद्ध वेला के अति निकट समय पर आदि देवताओं की एक गोष्ठी जो अज्ञात के दूर किनारों पर गुपचुप जहां सभा आयोजन में देव समूह वार्तालाप में जुटा हुआ था, वहां गुई वार्तालाप हो रहा कि सावित्री की आत्मा को मानव जाति पर लदे काल जुए से मुक्ति कराने हेतु
काल शासन संचालित आत्मा की मुक्ति के इस विवाद को सृष्टि सृजन के पुरातन काल से लेकर अब तक मूर्तिमान सतत चले आ रहे इस असत के संग भीषण एक खतरनाक भूमिका के ऊपर इस विवाद को सावित्री को अब वाद विवाद तर्क वितर्क झगड़ा करके काल से अपनी आत्म मुक्ति का पक्ष प्रस्तुत करते हुए मल्ल युद्ध करके उसे जीतना ही होगा। निराकार अचलायमान परम दिव्य प्रभु के संकल्प से उन्हीं की चेतना का एक भाग जो सचलायमान बनकर एक कम में स्थित रहते हुए संकल्प सिद्धि प्रयास के प्रथम चरण चेतना अवतरण में बहुत विभाजित बनते हुए सप्त सोपानों से अवतरित होकर आकारहीन एक अंश ने दूसरे अंश में प्रवेश पाकर रूपायन पर चेतना के यात्रा के पश्चात ऊर्ध्वगामी बनकर रूपायन प्राप्त हुआ तो जड़ रूप धारण किया। अब चेतना ऊर्ध्वगामी बनकर प्रथम व्यक्त रूप जड़ के अस्तित्व के कण कण में आकारित होकर जो अभिव्यक्त हुई थी तभी से उस पर अज्ञाना अंधकार निश्चेतन द्वारा लादे गए काल जुए को ढोते हुए मानव तक की क्रम विकास पद्धति माध्यम से विकसित होकर मानव सत्ता के व्यक्त करण शरीर प्राण मन हृदय भाव केंद्र तथा समस्त व्यक्त संपूर्ण मानव स्वरूप व्याप्त चेतना को उनके आकार रहित निज परमात्म प्रभु की व्यष्टि आत्मा की दिव्य चेतना को आकार रहित नश्वरता के जनक काल कारण के सम्मुख प्रथम अंतरात्म पुरुष साक्षात्कार तत्पश्चात व्यष्टि आत्मा विश्वात्मा साक्षात्कार करके परमात्म चेतना को धारण करके काल सम्मुख आज उपस्थित होना ही होगा, क्योंकि काल जुए से ग्रसित समूचे जगत के भार को वहन करके उसके लिए मुक्ति प्रयास में मल्ल युद्ध ठाने एकमात्र मानव अंत स्थित आत्मा ही अर्थात सावित्री की आत्मा को ही काल सम्मुख आज डटना होगा। मानव जाति पर लदे काल चक्र से स्पंदित काल जुए की उत्तुंग सुनसान शिखरावली जहाँ काल सिंहासन रूढ़ होकर शून्य प्रदेश में काल के जहाँ जीवन का कुछ भी मतलब नहीं प्रेम को जहाँ खड़े होने तक का तनिक भी स्थान नहीं ऐसे काल शासित महानाश के किनारे पर पहुंचकर सावित्री को जगत एवं मानव जाति को काल जुए से मुक्ति प्रदान करने के अपने दावे को काल के समक्ष बहस मुबाहस वकालत स्वयं एवं मानव जाति के लिए आज करनी होगी। हम इस विषय को यही विराम देते हैं।
आवान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के इन दिव्य सूत्रों मंत्रों के प्रकट होने पर देखा सीखा जाना समझा, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें, प्रकट हुए इस ज्ञान विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराए, ताकि जब जब हमें साधना के दुरुपथ पर इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपथ पर हमारा नेतृत्व करे। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।